लोकसभा इलेक्शन से पहले बिमल गुरुंग ने दिया एक बड़ा बयान, कहा कि दार्जिलिंग हिल्स को बचाने के लिए की है घर वापसी। शुक्रवार को हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट बिमल गुरुंग ने कहा कि पहाड़ की राजनीति बिगड़ चुकी है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे कभी दिखावटी राजनीति नहीं करते हैं और गोरखालैंड, इसकी मिट्टी, पहाड़ की भाषा और संस्कृति की बातें उन्होंने सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नहीं बल्कि 365 दिन ही वे ये बातें कहते आ रहे हैं। पहाड़ की राजनीति और इसकी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने सबसे एकजुट होने की अपील की। साथ ही उन्होंने दार्जिलिंग हिल्स के ड्राइवर्स की नाजुक स्थिति की भी बात की, जिन्हें कई प्रकार के फाइन देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पार्किंग में गाड़ी रखने के लिए ड्राइवर्स को घंटे के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। उनके द्वारा जनता की सुविधा के लिए बनाए गए पार्किंग में आज कुछ लोगों की राजनीति चल रही है। आज एक मीटिंग में कुछ युवा दूसरी पार्टी छोड़कर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में शामिल हुए और उनका पार्टी में स्वागत किया गया। टीएमसी छोड़कर बिमल गुरुंग की पार्टी में शामिल हुए एक युवा ने कहा कि बिमल गुरुंग हमारी जाति और संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और जब तक वे पहाड़ में नहीं आते तब तक का विकास का समाधान नहीं होगा। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि गोरखाओं के भले के लिए ही वे टीएमसी छोड़कर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। उन्होंने आगे जीटीए पर निशाना केंद्रित करते हुए कहा कि बिमल गुरुंग के नेतृत्व में बने जितने भी एसेट्स हैं वे सभी खत्म हो चुके हैं और जीटीए उनकी देखरेख नहीं कर रही है। उन्होंने अंत में कहा कि जब तक बिमल गुरुंग सत्ता में नहीं आते तब तक पहाड़ का भला नहीं हो सकता।